शिखरे यशाची आपण अशीच चढत राहो, कीर्ती तुमची आस म्हणतात पसरत राहो, विजयाची ललकारी तुमची दाही दिशा गुंजत राहो, वाढदिवस आपला असाच आनंदात जाओ। भूमेश रिअल्टर्स चे संस्थापक भूमेश राजाराम पेशणे आपणास वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। शुभेच्छुक सूरज किशोर दुबे, भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर शहर उपाध्यक्ष, आशीष लिंबाचा, शुभम सावरे, भरत सावरे। आयोजित जूडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर दिग्रस शहर के जूडो खिलाड़ियों ने न सिर्फ एक नया कीर्तिमान रचा है बल्कि दिग्रस की समृद्ध खेल परंपरा का सम्मान भी बढ़ाया है। इस बेमिसाल उपलब्धि के पीछे खिलाड़ियों की मेहनत और जूडो के प्रमुख कोच डॉक्टर रविभूषण कदम सर के बेजोड़ योगदान का बड़ा हाथ है। पेश है संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर के बीबी आर्ट्स, एनबी कॉमर्स और बीपी साइंस कॉलेज के जूडो प्रशिक्षण केंद्र में जूडो के अभ्यास में व्यस्त ये जूडो खिलाड़ी है, जिन्हें देखकर लगता है जैसे जूडो खेल के अभ्यास का इनका जज्बा मानो किसी साधक की साधना या किसी तपस्वी की तपस्या का रूप धारण कर चुकी है और शायद इसी तपस्या और साधना का परिणाम है जो इन्होंने मुंबई में आयोजित जूडो खेल स्पर्धा में सर्वाधिक मेडल जीतकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया है। मुंबई से जीतकर लौटे ये मासूम खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो कदम सर को जाता है। उन्होंने जो प्रैक्टिस ली सवेरे शाम उन्होंने जो प्रैक्टिस ली पूरा जो क्रेडिट है कदम सर को। सरांनी आमची खूप दिवस रात्र मेहनत घेतली आणि त्यामुळे लहान मुलांपासून मोठ्या मुलांपर्यंत तिथे छान प्रदर्शन केले आणि म्हणजे सगळे खूप छान खेळले। माझं नाव वेदांत गजानन पारधी आहे। माझं नाव केदार रमण बनगिनवर आहे। आम्हाला खूप मजा आली आणि माझी पण खूप चांगली होती। सरांना आमच्यासाठी हार्डवर्क केलेलं आहे तर आम्हाला मेडल भेटलेलं आहे। हर खिलाड़ी ने अपनी जीत का कामयाबी का श्रेय जो है कदम सर के नाम किया है। अगर जूडो खेल रहे ये बच्चे खेल साधक है तो डॉक्टर रवि भूषण कदम सर खेल तपस्वी है, जिनकी बीते 25 सालों की कड़ी तपस्या की बदौलत ही खेल जगत में आज दिग्रस शहर का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जा रहा है। बीते 19 और 20 अगस्त को मुंबई में जूडो चैंपियनशिप स्पर्धा हुई और इस स्पर्धा में दिग्रस के जो जूडो खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर रवि भूषण कदम सर के वजह से तैयार हुए हैं उन्होंने वहां जाकर एक उम्दा प्रदर्शन किया और दिग्रस का नाम रोशन किया। खास बात ये रही कि इस चैंपियनशिप पर कब्जा जमाते हुए दिग्रस के जूडो खिलाड़ी ने 33 मेडल जीते हैं जिसमें से 24 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 5 ब्रांज है। इतनी बड़ी ये उपलब्धि है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है जूडो की पूरी टीम है और रवि भूषण सर है जिन्हें महाराष्ट्र सरकार का जो है शिव छत्रपति पुरस्कार भी मिल चुका था और उन्होंने कई तरह की मेहनत यहाँ पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए ली है और वो काफी मेहनत करते हैं। आज वो हमारे साथ में है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्ते, मैं रवि भूषण कदम। सर ये बताइए कि ये जो उपलब्धि है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये एक तरह से बड़ी उपलब्धि, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? हर साल हम एक कुछ एम रख के बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे यहाँ के नेशनल, स्टेट और आने वाले समय में इंटरनेशनल खिलाड़ी बने और दिग्रस का नाम रोशन करने हेतु हम नियमित प्रयास कर रहे हैं और हम सब जूनियर से लेके सीनियर बॉयज़ तक के खिलाड़ी की तैयारी कर रहे हैं। इसी वक्त 19-20 को अगस्त को एक कॉम्पिटिशन आया था जिसमें मुंबई जूडो एसोसिएशन द्वारा महाराष्ट्र ए द्वारा एक डॉक्टर जिगारो कानो जिन्होंने जूडो के जनक है, जिन्होंने जूडो निकाला है, उनके याद में एक कंपटीशन का आयोजन मुंबई में गोरेगांव में ईस्ट में किया गया था और वहां हमारे 40 बच्चों ने सहभाग लिया था। उसमें सब जूनियर से लेके सीनियर तक के बच्चे गए थे और सभी खिलाड़ी जो भी खेले इनको कुछ न कुछ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल है और ये सब ही ये बच्चों की मेहनत है जो उन्होंने इस पदक प्राप्त किए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इतने साल हो गए हैं, मतलब एज ए स्पोर्ट टीचर भी और आप एक कोच भी हैं,
आप क्या कहना चाहेंगे जूडो को लेकर, कितनी संभावनाएं आपको दिग्रस के जूडो खिलाड़ियों में नजर आती हैं, और आप अन्य पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी जिन्हें खेल से लगाव है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं 1999 में दिग्रस में आया था अमरावती से। यहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे चांस दिया, यहाँ मैं नौकरी प्राप्त किया और उनके सपोर्ट से हमने तब से जूडो की शुरुआत की। पहले बैच में हमारे फैजान सर थे, विष्णुक थे, मधुगले थे, ये बच्चों के साथ हमने विदाउट मैट ग्रास पे हमने जूडो की शुरुआत 99 में की थी। उसको देखते हुए आज ऐसा लगता है हमने जो छोटा प्रयास किया था आज 25 साल में हमने यहाँ काफ़ी प्लेयर्स तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खेल कबड्डी, ये गांव कबड्डी के लिए प्रसिद्ध बहुत था और यहाँ जूडो का इंट्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि कोई भी बोलता है जूडो से हाइट कम होती है, जूडो से इंजुरी होती है, जूडो कुछ काम का नहीं है और जूडो कराटे, ऐसे दो वर्ड्स बोलते थे। मगर हमको 25 साल हमको लोगों को यहाँ समझाते लग गए कि जूडो क्या है। इट्स ए जेंटल वे, इट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप होती है। और एक यहाँ हमने 25 साल में बच्चों को भरोसा दिया कि हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बैंगलोर, कनाडा का, इनको भी हम मार के चैम्पियन बन सकते हैं। और पिछले कुछ 10 साल में हमारे नेशनल खिलाड़ी हमने यहाँ तैयार किए और गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट तैयार किए। इसी के साथ हमारे कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल के लिए भी यहाँ से गए और पूरे इंडिया में 5th रैंक पे आए हैं। ये आज बहुत उपलब्धि है। इस वक्त मैं दिग्रस वासियों को ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, इसमें अच्छा करियर है। अगर नेशनल खिलाड़ी बनते हुए मेडल जीतते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र का 5% स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, जिसमें हमें नौकरी में मदद मिलती है। और सबसे मेन बात यह कि हमारा फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस बहुत अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जितना जूडो खेलेंगे उतना कूल माइंडेड रहेंगे और दवा खाने से हम उतने ही दूर रहेंगे। थैंक यू सर। जूडो खेल जो है मोबाइल के अतिरिक्त इस्तेमाल जैसी अन्य बुरी आदतों से बच्चों को दूर रखता है। यह खेल हर लिहाज से बच्चों के लिए फायदेमंद है। इस आशय का सुझाव जूडो प्रशिक्षक और दिनबाई विद्यालय के खेल शिक्षक फैजान शेख ने व्यक्त किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से, अगर बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर करना है और दूसरी कोई गलत चीज़ों से अगर उन्हें दूर करना है तो उन्हें स्पोर्ट्स करना चाहिए। और फिलहाल अगर दिग्रस के लेवल पे देखा जाए तो जूडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा अभी के पीरियड में लास्ट ईयर में नेशनल खेले हैं। अभी इसी साल 12 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं जिसमें से 6 बच्चों को नेशनल में मेडल है। तो जूडो जो है वो अभी फिलहाल के दौर में दिग्रस में सबसे अच्छा स्पोर्ट्स है। यहाँ पे कदम सर जैसे शिव छत्रपति अवार्डी कोच है जिनकी बदौलत ये सब इतना अच्छा चल रहा है और ये तकरीबन 1999 से चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जिसकी कोई फीस यहाँ पे नहीं ली जाती। काफ़ी सारे यहाँ से नेशनल मेडलिस्ट बच्चे तो हैं। अगर आपको आपके बच्चों को बाकी चीज़ों से, मोबाइल से, टीवी से और कोई गंदी आदतों से अगर छुटाना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको एक दूसरी चीज़ की तरफ मोड़ना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पालकों के लिए ये बहुत अच्छा एक विकल्प है। बहरहाल अपनी इस बड़ी जीत और उपलब्धि पर डॉक्टर रवि भूषण कदम सर ने अपने छात्रों सहित संस्था से जुड़े सभी मान्यवरों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। मैं इस वक्त हमारे बच्चों के साथ कॉलेज के इस प्रांगण में हूँ जहाँ सभी खेल के साथ साथ जूडो भी सिखाया जाता है। और इसके लिए हमें मैनेजमेंट जो है हमारे कॉलेज की, ये भी हमें बहुत मदद करती है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है विजय बाबू और श्याम बाबू जो स्पोर्ट्स लविंग है, वो भी हमें मदद करते। और जो अभी के प्राचार्य है डॉक्टर लाडोरे सर, यह भी हमें प्रोत्साहन देते हैं और खेल प्रति हमें हरदम मदद करते रहते हैं। ये एक अच्छी बात है। साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो और फैसिलिटीज़ अगर हमें मिली तो यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन जाएंगे। मैं बच्चों को हरदम कहते रहता हूँ कि वो सुबह कभी तो आएगी। यही लक्ष्य के साथ हम आज
तक कार्यरत है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर रवि भूषण कदम सर हैं और फैजान सर हैं और साथ ही उनके जो चैंपियन बच्चे हैं जिन्होंने जूडो में जो है बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि अगर बुरी आदतों से बचना है, बच्चों को अगर अच्छी दिशा देना है तो जो अभिभावक है वो आए और यहाँ पर बच्चों को जो जूडो है वो सिखाने के लिए वो हमेशा तत्पर है, तैयार है। हम आपको बता दें कि दिग्रस शहर जो है ये कबड्डी के लिए पहले जाना जाता था, लेकिन अब जूडो जो है यहाँ के खिलाड़ी जो है जूडो की नई परिभाषा लिख रहे हैं और इन्होंने जो गोल्ड जीता है इसकी चमक अब सारे शहर में नहीं बल्कि जिले और पूरे राज्य भर में फैलती नजर आ रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान। शिखरे यशाची आपन अशीत सड़त राहो, कीर्ति तुमची आसमंतात पसरत राहो, विजयाची ललकारी तुमची दाही दिशा गुंजत राहो, वाढदिवस आपला असाच आनंदात जाओ। भूमेश रिअल्टर्स चे संस्थापक भूमेश राजाराम पेशने आपणास वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। शुभेच्छुक सूरज किशोर दुबे, भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर शहर उपाध्यक्ष, आशीष लिंबाचा, शुभम सावरे, भरत सावरे,